थिंक वी आर लाइव नाउ वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चे आ गए हैं अजय पाल गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग अजय अम्बुज शुक्ला हेलो सर गुड इवनिंग अम्बुज गुड इवनिंग वी आर नाउ हियर यस डियर हाँ आप यहां पर आ गए हैं हम भी आ गए हैं सुनील कुमार गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सुनील आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज आप ये लिंक जो है ना उसे आप फेसबुक पे शेयर कर दीजिए तो फेसबुक से भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं मैक्सिमम लोग रहेंगे तो पढ़ाने में भी और मजा आएगा हम लोग को ठीक है आप शेयर कर दीजिए आज हम लोग आर ए सी की क्लास नंबर थ्री करने जा रहे हैं ना क्या पढ़ेंगे हम लोग आज आर ए सी पढ़ेंगे और आर ए सी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आर ए सी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर थ्री है ना क्लास नंबर थ्री है और क्लास नंबर थ्री में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल हम लोग को पढ़ना है आज का हमारा टॉपिक यही है ना और आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद कंप्लीट एनालिसिस कुछ हम छोड़ने वाले नहीं है आज ठीक है ना कंप्लीट एनालिसिस करेंगे काफी लोग आ गए हैं संचिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग संचिता मंकी मिला अजय यस यस मंकी मिल गया है ठीक है ना मंकी इज इन माई क्लास राइट नाउ प्रभात गुड इवनिंग डियर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी प्रभात शायद आप पूछ रहे थे ना सर लाइव आपका रहेगा ना एकदम फिक्स है बेटा बजे मैंने लाइव बोला है तो मैं प्रतिदिन शाम को सात बजे आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा मैं एक माई करियर के यूट्यूब चैनल पे और जो शेड्यूल में चेंजेस रहेंगे वो हम आपको सूचित कर दिया करेंगे ठीक है <coughs> अली गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग यासमीन गुड इवनिंग टू इच एंड एवरी टुडे वी विल स्टडी सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी वट इज स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर नॉट ओनली सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल वी विल आल्सो एनालाइज दिस पर्टिकुलर साइकिल तो हम लोग बहुत डिटेल में काम करने जाने जा रहे हैं पीएस पीएस आई थिंक प्रशांत श्रीवास्तव अच्छा कुछ लोगों को लिंक नहीं जाता है या कुछ को मैसेज अगर नहीं पहुँचता है मेरी क्लास का तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ये मेरा नंबर है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि क्लास कितने बजे से है कौन सी क्लास है ये तमाम सारी चीजों का मैं लिंक आपको भेज दूंगा ठीक है ना तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए फिर हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे चलिए भाई कल हमने इसके पहले आर की क्लास टू ली थी उसको जरा देखिएगा आर की क्लास हमने वन ली है उसको देखिएगा फिर आप थ्री देखेंगे तो और इंजॉय करेंगे जो लोग अगर आज पहली क्लास आ गए हों अगर वो वन टू टू देख के आएंगे तो और इंजॉय करेंगे प्रशांत श्रीवास्तव पी एस आई थिंक प्रशांत श्रीवास्तव नाम है आपका ना बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको क्लास की लिंक वगैरह डिटेल वगैरह भेज दिया करूंगा ठीक है और अभी आप लोगों के लिए बहुत कुछ मैंने प्लान किया है अभी फ्लूड मैकेनिक्स में शुरू करने वाला हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास आपको मिलने वाली है तो वी हैव अ अलॉट ऑफ थिंग्स लेकिन आपका शेयर करना और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है ना क्योंकि तो जितने मैक्सिमम लोग रहेंगे उतना ही मजा आएगा क्लास पढ़ाने में मुझे और पढ़ने में आपको तो आज का टॉपिक हमारा यही है सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल और क्लास इंफॉर्मेशन ये जो नंबर है ये आपको क्लास की इंफॉर्मेशन देगा एडमिशन लेने के लिए हमारे नए बैचेस ज्वाइन करने के लिए जो नंबर आपको नीचे पट्टी में चल रहा होगा वो वहां पर काम करेगा उससे आप बात कर सकते हैं ये आपको क्लास की इंफॉर्मेशन देगा गुड इवनिंग सिद्धार्थ गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन फटाफट एक बार शेयर कर दो बच्चों अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वेपर कंप्रेशन साइकिल आपने पहले भी पढ़ा होगा कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं जिनकी आज पहली क्लास है जरा बताएं मुझे जिनकी फर्स्ट क्लास है वो लिखिए फर्स्ट क्लास लिखिए लिखिए जिनकी फर्स्ट क्लास है जरा बताइए मुझे no. No. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज पहली क्लास होगी वो मुझे बताइए ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को चलिए आइए शुरू करा जाए वेपर कंप्रेशन साइकिल ठीक है हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल से अच्छा भाई देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा जिक्र आपको किया था कि एक साइंटिस्ट थे ओलाइवर कलेन एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओलाइवर कलेन ओलाइवर कलेन ने 1834 में एक साइकिल प्रपोज किया उलाइवर कलिन साहब ने 1834 में एक साइकिल प्रपोज किया और उसको उन्होंने वेपर कंप्रेशन साइकिल कहा अब ध्यान दीजिएगा वेपर कंप्रेशन है ये। आइडियल वेपर कंप्रेशन नहीं है यह सिंपल वेपर कंप्रेशन नहीं है इसका नाम क्या है वेपर कंप्रेशन ओलाइवर कलिन ने जो साइकिल दी उसका नाम है वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको क्या पढ़ना है आपको सिंपल वेपर कंप्रेशन पढ़ना है आपको वेपर कंप्रेशन नहीं पढ़ना है तो हमारी एक पूरी यात्रा होगी जर्नी होने जा रही है कैसी जर्नी होगी वेपर कंप्रेशन समझेंगे फिर आइडियल वेपर कंप्रेशन समझेंगे फिर सिंपल वेपर कंप्रेशन समझेंगे और फिर जानेंगे कि तीनों साइकिल में वो साइकिल कौन सी है जिस पर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क करता है काफी लोग आ गए हैं सत्यन शर्मा सुमन शेखर अजय पाल सर इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है ठीक है ना तो कलेन साहब ने 1834 में एक साइकिल प्रपोज किया एक साइकिल दिया और उन्होंने कहा यही वेपर कंप्रेशन साइकिल है उन्होंने क्या कहा यही वेपर कंप्रेशन साइकिल है इनसे पूछा गया बताइए जरा कौन सी वेपर कंप्रेशन साइकिल है तो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एक टीएस डायग्राम दिया ध्यान दीजिएगा जरूरी नहीं है साक्षी श्रीवास्तव गुड इवनिंग सर साक्षी आप एक दिन और क्लास करी थी शायद और बीच में शायद आप नहीं आ रही थी अगर आपको क्लासेस में कोई डाउट है कि क्लास लिंक वगैरह नहीं मिलती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको क्लास की लिंक शेयर कर दिया करूंगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी पंकज जी जरा आप उसमें भी डाल दीजिए कमेंट में भी कि क्लासेस की इन्फॉर्मेशन एडमिशन वगैरह लेने के लिए जो पट्टी चल रही है वहां संपर्क कर लेंगे किसी को क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हो तो यहां से उसको मिल जाएगी ठीक है ना तो ओलाइवर कलिन साहब ने जो वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रपोज किया वो साइकिल क्या थी कलिन से पूछा कि आप कौन सी साइकिल प्रपोज करें कलेन ने उस साइकिल को पेटेंट भी कराया मैं स्टोरी से इसलिए शुरू करता हूं क्लास को क्योंकि आप बंध जाते हैं आपको ना एक इंटरेस्ट जनरेट होता है स्टोरी से कलिन ने कहा कलिन ने कहा कि भैया एक काम करिए सबसे पहले एक काम करिए कि जो रिवर्स कारनाट साइकिल है जो रिवर्स कारनाट साइकिल है जिसको मैंने कल पढ़ाया था अगर किसी को डाउट है रिवर्स कारनाट साइकिल में तो कल की क्लास आप हाँ देख लीजिएगा जो रिवर्स कारनाट साइकिल है पलिन साहब ने कहा कि इसी रिवर्स कारनाट साइकिल को क्या करिए इसी रिवर्स कारनाट साइकिल को क्या करिए इसी को उठा करके वेपर डोम में रख दीजिए कहां रख दीजिए वेपर डोम में अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वेपर डोम में क्यों रख रहे हैं देखो बेटा जहां भी हमें टू फेज रीजन की स्टडी करनी है लिक्विड का भी करना है, वेपर का भी भी स्टडी स्टडी करना करना है है वेपर वहां हमें वेपर डोम की सहायता लेनी पड़ती है वेपर डोम क्या होता है वेपर डोम के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ाऊंगा थर्मोडाइनमिक्स के अंतर्गत तो कलेन ने कहा कि जो रिवर्स कार्नाट साइकिल है उसी को उठा के वेपर डोम में रख दीजिए वेपर डोम की खासियत क्या होती है खासियत यह होती है कि यहां पर वेपर डोम में लिक्विड रहता है इसके लेफ्ट साइड में और यहां क्या रहता है बच्चों लिक्विड रहता है और प्लस वेपर रहता है और यहां क्या रहता है बच्चों यहां पर केवल वेपर रहता है तो ये वेपर डोम की खासियत है जिन लोगों को नहीं आइडिया है कि वेपर डोम क्या होता है उनको मैं बता दे रहा हूं कि वेपर डोम के लेफ्ट साइड में लिक्विड मिलेगा वेपर डोम के बीच में लिक्विड और वेपर मिलेगा और राइट साइड में आपको केवल और केवल वेपर मिलेगा तो कलन के द्वारा कलन के द्वारा कलन के द्वारा जो साइकिल प्रपोज की गई कलन के द्वारा जो साइकिल प्रपोज की गई वो ये थी अब आप प्लीज कमेंट नहीं करेंगे ठीक है ना अब आप ध्यान से सुनिए अब आप केवल थम्स अप करिएगा जहां आपको अच्छा लगे जहां आपको अप्रिशिएट करना है जहां आपको लग रहा है कि आपका टीचर वो बात बता रहा है जो अच्छा है आपके लिए प्लीज गिव मी थम्स अप आपका थम्स अप मुझे एनर्जी देगा कमेंट नहीं करना है आप केवल अप दीजिए और हम लोग पढ़ते हैं एक डेढ़ घंटा मैं जरा पढ़ाता हूं ध्यान से पढ़िएगा यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू स्टडी आप मतलब वो चीजें पढ़ने वाले हो जो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा आज मैं रियलाइज करा दूंगा आपको महसूस करवा दूंगा कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है सो so दीजिए और आगे बढ़ते हैं तो कलन की जो साइकिल है वो ये है दिस इज द साइकिल प्रपोज्ड बाई कलन इसको आप इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए या कॉपी लेके बैठे हो तो बना लीजिए दिस इज द साइकिल प्रपोज्ड बाई कलन कलन ने ये साइकिल प्रपोज करी है लेकिन इस साइकिल पर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कार्य नहीं करता है क्यों नहीं काम करता है क्योंकि साइकिल में बहुत सारी समस्याएं हैं इस साइकिल में बहुत सारे इश्यूज हैं कौन कौन से इश्यूज हैं जरा उन पर विचार किया जाए कौन कौन सी समस्याएं हैं जरा उन पर विचार किया जाए समस्याएं ये हैं बेटा कि कल हमने आपको बताया था कल हमने आपको बताया था कि इस साइकिल में कल हमने आपको बताया भी था इस साइकिल में जो ये प्रोसेस है यह वाला प्रोसेस ये वाला प्रोसेस क्या कर रहा है इंट्रॉपी बढ़ रही है तो यह प्रोसेस हीट एडिशन का प्रोसेस है हमने आपको बताया था कि यह वाला प्रोसेस क्या है यह वाला प्रोसेस हीट रिजेक्शन का है यह वाला प्रोसेस हमने आपको बताया था कंप्रेशन का है देखिए जो हमने कल रिवर्स कारनाट साइकिल में पढ़ा था हम उसी चीजों को यहां ले आ रहे हैं हमने कोई नई चीज नहीं बनाई है सिंपल उसी चीज को उठा के हमने यहां रख दिया है और ये वाला जो प्रोसेस है ये एक्सपेंशन का था तो समस्याएं क्या आ गई क्या प्रॉब्लम थी कलंक के साइकिल में क्या समस्याएं थी कलन के साइकिल में कुछ तो समस्याएं रही होंगी ना अगर कुछ भी समस्याएं न होती तो फिर कलन की साइकिल में क्या समस्या थी फिर तो रहता ही कोई दिक्कत नहीं थी कलन की साइकिल में कलन की साइकिल में बहुत सारी समस्याएं हैं कोई एक समस्या नहीं है लेकिन जिस समस्या को कलन ने रिकॉग्नाइज किया जिस समस्या को कलन ने समझा उन्होंने कहा कि भाई देखो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है अब यहां से कॉन्सेप्ट समझिएगा उन्होंने इस प्रोसेस को लिया एक्सपेंशन वाले प्रोसेस को एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में हमारे पास दो विकल्प होते हैं ध्यान से समझिए पहले मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूं कलन की साइकिल में क्या क्या ड्रॉबैक है यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या क्या ड्रॉबैक है पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या क्या ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को खत्म करके हम लोग क्या बनाएंगे हम लोग आइडियल वीसी साइकिल बनाएंगे अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिस इज वीसी साइकिल अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं दिस इज वीसी साइकिल इस वीसी साइकिल को मॉडिफाई करके क्या बनाएंगे आइडियल वीसी साइकिल फिर उस आइडियल वीसी साइकिल को मोडिफाई करके क्या बनाएंगे सिंपल वीसी साइकिल बात समझ में आ रही हो तो सब करके बताओ तो ये वीसी साइकिल है यहां क्या इश्यू आ रहा है कलिन ने कहा यहां एक दिक्कत आ रही है दिक्कत ये आ रही है कि हमें एक्सपेंशन कराना है और एक्सपेंशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है दो विकल्प हैं एक विकल्प जो है जो एक्सपेंडर है एक्सपेंशन हम कराएंगे कैसे एक्सपेंशन हम कराएंगे कैसे एक्सपेंडर में कैसे कराएंगे एक्सपेंशन हम कराएंगे कैसे एक्सपेंडर में कैसे कराएंगे एक्सपेंडर में कराएंगे ठीक है ना एक्सपेंडर के दो ऑप्शन हैं। ध्यान से समझिएगा मैं इतना ज्यादा डेप्थ में आपको ले चल रहा हूं मैं स्क्रैच लेवल से शुरू करूंगा और टॉप लेवल पे ले जाऊंगा और हर चीज को बहुत ही क्वाजी तरीके से स्टैटिक तरीके से और सिंपल और धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कलिन की साइकिल जो है ये वीसी साइकिल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल इसमें क्या समस्याएं थी समस्या ये था कि एक्सपेंशन कैसे करेंगे एक्सपेंशन किससे करेंगे एक्सपेंडर की सहायता से एक्सपेंडर के दो विकल्प हैं एक्सपेंडर के दो विकल्प हैं कौन कौन से विकल्प हैं? एक विकल्प है टर्बाइन और दूसरा विकल्प है थ्रोटल वाल्व या तो एक्सपेंशन हम टर्बाइन से कर सकते हैं या हम किससे कर सकते हैं थ्रोटल वाल्व से अब देखो बेटा जो टर्बाइन है उसका खर्चा आता है कम से कम ढाई हजार रुपए दो ढाई हजार रुपया खर्चा आता है ये इसका खर्चा कितना आएगा पच्चीस सौ रुपया कम से कम और इसका खर्चा कितना आता है लगभग पांच सौ रुपया तीन सौ रुपया तो बताइए कौन सा एक्सपेंडर यूज करना चाहिए क्या इनको यूज करना चाहिए तो कलेन ने कहा हमारा खर्चा क्यों बढ़ेगा ढाई हजार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना रेफ्रिजरेटर की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो कॉस्टिंग बढ़ने से उसको उस रेफ्रिजरेटर कोई खरीदेगा नहीं तो कलिन ने कहा हम टर्बाइन नहीं यूज करेंगे कलिन ने कहा हम टर्बाइन नहीं यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे थ्रोटल वाल्व क्या कहा कलिन ने हम टर्बाइन नहीं यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे थ्रोटल वाल्व तो इस इस वाले साइकिल में क्या मोडिफिकेशन किया गया मेरे बच्चों बताओ इस साइकिल में क्या मोडिफिकेशन किया गया इसमें मोडिफिकेशन यह किया गया कि टर्बाइन की जगह हम क्या यूज करेंगे थ्रोटल वाल्व टर्बाइन की जगह हम क्या यूज करेंगे थ्रोटल वाल्व अब अगर टर्बाइन की जगह हम थ्रोटल वाल्व को यूज करते हैं तो उससे साइकिल में क्या फर्क पड़ेगा क्या उससे साइकिल में कोई फर्क पड़ेगा जी हां क्या फर्क पड़ेगा फर्क यह पड़ेगा कि देखो जो ये प्रोसेस है यह जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है ये जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और आप जानते होंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है रिवर्सेबल प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है रिवर्सेबल होता है लेकिन अब हम ये तो लेने नहीं जा रहे हैं अब हम इसको हटा रहे हैं ना आइसेंट्रॉपिक को हम हटा रहे हैं अब हम थ्रोटल वाल्व लेने जा रहे हैं और थ्रोटल वाल्व में थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा और थ्रोटलिंग प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है इरिवर्सेबल होता है ध्यान से समझना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सेबल है लेकिन जिस प्रोसेस को हम चुनने जा रहे हैं वो है इरिवर्सेबल क्योंकि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है वो बच्चा इ होता है और इसको हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं और इ रिवर्सेबल प्रोसेस को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम लोग किसे दिखाएंगे इ रिवर्सेबल प्रोसेस को हम लोग किसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन से इस तरह से समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आर यू इंजॉइंग माई डियर स्टूडेंट्स ओके तो अगर हम अगर हम बात मान लें कलिन साहब की और हम इसको मोडिफाई कर दें हम साइकिल को हटा दें और हम cycle में विफिकेशन अप्लाई कर दें तो क्या अंतर आएगा केवल यहां अंतर आएगा केवल यहां अंतर आएगा यहां पे, यहां जो सीधी लाइन है जो सॉलिड लाइन है वो हट जाएगी और यहां डॉटेड लाइन आ जाएगी जो सीधी लाइन है सॉलिड लाइन है वो हट जाएगी और यहां डॉटेड लाइन आ जाएगी और ऐसा करने से जो हमारा वीसी साइकिल था वो एक नई साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और उस नई साइकिल का नाम क्या देंगे उस नई साइकिल का नाम क्या देंगे उस नई साइकिल का नाम देंगे आइडियल वीसी साइकिल ये वीसी साइकिल है और जो नई साइकिल बनेगी उसका नाम क्या देंगे हम उसका हम नाम देंगे आइडियल वीसी साइकिल तो मैं बगल में बना दू यहां पर बताओ बच्चों में यहां पर आपके बगल में ड्रॉ कर देता हूं दिस इज आइडियल वी सी साइकिल दिस इज आइडियल वी सी साइकिल दिस इज आइडियल वी सी साइकिल बताओ भाई बाकी सारे प्रोसेस तो वही हैं बाकी सारे प्रोसेस तो यही हैं केवल यहां फर्क पड़ेगा यहां पे ना यहां पे हम लोग डॉटेड लाइन ले सकते हैं ना यहां पे हम लोग डॉटेड लाइन ले सकते हैं इस तरह से बोलो यार लेकिन ये डॉटेड लाइन हम यहां इस तरह से नहीं लेंगे इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे कैसे लेंगे इसको हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से इस डॉटेड लाइन को हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है? ये कुछ प्रोसेस आपका इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपने कहा सर आपने इसको ऐसे क्यों लिया तो इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा इस सवाल का जवाब अभी जब आपको पढ़ाएंगे सिंपल वीसी साइकिल तो वहां समझाएंगे कि इसको हमने इस तरह से क्यों लिया तो ये जो साइकिल आपका बना इसका नाम देंगे आइडियल वीसी साइकिल आपके सामने यहां पर देखिए बना हुआ है आपके सामने यहां पर बना हुआ है यहां क्या बना हुआ है आपके सामने यहां बना हुआ है वीसी साइकिल यहां बना हुआ है आइडियल वीसी साइकिल ठीक है ना वाई इट इज कर्व मोहित पूछ रहे हैं कि सर ये कर्व क्यों हो गया ये कर्व क्यों हुआ इस बात का जवाब आज की क्लास में ही 10 से 15 मिनट बाद मिल जाएगा न केवल ये कर्व हुआ बल्कि और भी क्वेश्चन हो सकते थे आप यह भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर आपने इसको ऐसा ही क्यों बनाया आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया एक क्वेश्चन यह भी हो सकता था कि सर आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया इधर क्यों नहीं यह इधर क्यों नहीं भाग गया यह सीधे क्यों नहीं गया यह इधर ही क्यों आया इन सभी प्रश्नों का जवाब आज ही की क्लास में 10 से 15 मिनट बाद मिलने वाला है ठीक है ना 10 से 15 मिनट बाद यह सारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैंने आपको वीसी साइकिल समझा दिया मैंने आपको आइडियल वीसी साइकिल समझा दिया अब मैं इसको लेकर चल रहा हूं सिंपल वीसी साइकिल की तरफ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आइए आगे बढ़ते हैं भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें अब हम लोग सिंपल वीसी साइकिल की बात करेंगे सिंपल वीसी साइकिल इसको मिटा दे रहा हूं मैं चलिए सिंपल वीसी साइकिल सिंपल वीसी साइकिल इसका नाम स्टैंडर्ड वीसी साइकिल भी होता है सिंपल वीसी साइकिल भी इसको बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड वीसी साइकिल भी बोलते हैं इसको कभी कभी सेचुरेटेड वीसी साइकिल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सेचूरेटेड वीसी साइकिल ये इस सब इसी के नाम है चाहे आप इसको सिंपल वीसी साइकिल कहिए चाहे आप इसको स्टैंडर्ड वीसी साइकिल कहिए चाहे इसको आप सेचुरेटेड वीसी साइकिल कहिए ठीक है तो एक बार थम्सअप करके मुझे बता दीजिए कि इसको एक्सप्लेन किया जाए शुरुआत किया जाए इसको एक्सप्लेन किया जाए ठीक है ना कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं क्या आप आप लोग मोहित जरा ग्रुप में मैसेज कर दो सुमन ग्रुप में मैसेज डाल दो सब लोग जो लोग ना आ पाए वो भी आ जाएं ठीक है ना जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग भी आ जाए ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए आप लोग तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बाकी दोनों नाम मैं इसके हटा देता हूं बाकी दोनों नाम मैं इसको हटा दे रहा हूं हम लोग इसको सिंपल वीसी साइकिल आज से बोलेंगे ठीक है ना चलिए अब सिंपल वीसी साइकिल में हम लोगों को समझना क्या है ध्यान से समझना इस साइकिल में दिस साइकिल दिस साइकिल हैज फोर प्रोसेस इस साइकिल में चार प्रोसेस हैं कितने प्रोसेस हैं चार कौन कौन से चारों प्रोसेस हैं आइए देखते हैं जरा पहला प्रोसेस है कंप्रेशन दूसरा प्रोसेस है हीट रिजेक्शन तीसरा प्रोसेस है एक्सपेंशन और चौथा प्रोसेस है हीट एडिशन इस साइकिल में हमें ये चार काम करने हैं इस साइकिल में हमें ये चार काम करने हैं कहीं पर हमें कंप्रेशन करना है कहीं पर हमें हीट रिजेक्शन करवाना है कहीं पर हमें हीट एडिशन करना है और कहीं पर हमें क्या करना है हीट कंप्रेशन हीट रिजेक्शन एक्सपेंशन और हीट एडिशन ये चार काम हमें करने हैं जैसे जैसे आपको तो समझ में आता जाए आप थम्सअप करते जाइए जो कंप्रेशर होगा कंप्रेसर को हम किसकी सहायता से करेंगे कंप्रेसर को हम लोग करेंगे जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा कंप्रेसर क्या नाम होगा इसका कंप्रेशर हीट रिजेक्शन हम किससे करेंगे हीट रिजेक्शन के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा कंडेंसर क्या नाम होगा कंडेंसर एक्सपेंशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंशन के लिए हम थ्रोटलिंग वाल्व का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टर्बाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा खर्चा आता है हीट एडिशन के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग ई बोलेंगे यानी अगर कायदे से देखा जाए तो यह साइकिल क्या बताती है या इस साइकिल में हमें क्या पढ़ना है इस साइकिल में हमें चार प्रोसेस पढ़ने हैं और चार डिवाइसेस पढ़ने हैं जिसको ये क्लियर हो गया कि प्रोसेस कौन कौन से हैं और जिसको ये क्लियर हो गया कि डिवाइसेस कौन कौन से हैं उसको समझिए यह साइकिल एकदम क्लियर हो गया कि उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा तो प्लीज आप ये चार प्रोसेस दिमाग में रखना और ये चार डिवाइसेस दिमाग में रखना अगर चार प्रोसेस चार डिवाइसेस आपको समझ में आ गया है तो सब लोग एक बार थम्सअप करके मुझे बता दो कि आपको जो मैं समझा रहा हूं उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आपको आर यू इंजॉइंग माई स्टूडेंट्स और नॉट ओके मुझे एक बार बता दीजिए फिर मैं इसमें एक एक प्रोसेस को लेकर के एक्सप्लेन करने चल रहा हूं ठीक है मैं हर एक प्रोसेस को लेकर के एक्सप्लेन करने चल रहा हूं आप एक बार जरा थम्सअप करके मुझे बता दीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं फिर एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा तब तक मैं आपका जरा कमेंट भी चेक कर लेता हूं एक बार जरा सब लोग एक्सप्लेन कर एक बार, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए और सब लोग शेयर कर दो बेटा एक बार जरा सारे लोग अपने फेसबुक पे शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए और थम्सअप करके मुझे बता दो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं फिर मैं एक एक प्रोसेस को लेकर के एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा प्रोसेस हमने क्यों लिया है और हमने कैसे लिया है हम कहाँ लिया है क्या मैं करने वाला हूँ क्या मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ मैं हर प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा मैं भी जरा वीडियो को शेयर कर देता हूँ आप लोग भी जब सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ पाए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ पाए प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोग को कि हम लोग जो है एक एक प्रोसेस कैसे पढ़ेंगे आइए भाई सबसे पहले हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग किसके लो बारे, किस बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा कंप्रेशन के बारे में अच्छा भाई चलो तो हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं ये तो आप समझिएगा ना कि हम सिंपल वीसी साइकिल पढ़ने जा रहे हैं चलो मैं लिख देता हूं छोटा चले देता हूं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिंपल वीसी साइकिल क्या पढ़ेंगे हम लोग सिंपल वीसी साइकिल ठीक है ना सिंपल वीसी साइकिल सिंपल वीसी साइकिल में हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चलो प्रोसेस वन से टू क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रोसेस वन से टू चलो आप लोग बताओ जरा प्रोसेस वन से टू क्या होना चाहिए प्रोसेस वन से टू क्या होना चाहिए प्रोसेस वन से टू क्या होना चाहिए प्रोसेस वन से टू होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होगा बच्चों आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस वन से टू होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आज की क्लास इतनी शानदार तरीके से चलने वाली है कि आपको मजा आ जाएगा किसी बच्चे ने लिखा है सर आपके पढ़ाने का तरीका ही गजब है मजा आ रहा है जी मेरी कोशिश है कि सिंपल किया जाए ना चीजें डिफिकल्ट ना हो सिंपल किया जाए अब आपकी जिम्मेवारी है किसी अधिकतर लोगों तक शेयर करिए अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं इसको रिकॉर्डिंग में भी आपको दे सकता हूं लेकिन लाइव आने का उद्देश्य है कि इट शुड रीच मैक्सिमम पीपल टू द मैक्सिमम पीपल तो प्रोसेस वन से टू में क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अच्छा भाई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहा होगा बेटा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहा होगा बेटा हमने बताया आपको कंप्रेसर में कहा होगा कंप्रेसर में कंप्रेसर में कंप्रेसर जो है वो कई प्रकार के होते हैं कंप्रेसर के कई टाइप्स होते हैं जैसे आपका बहुत सारा टाइप्स होता है मैं दो लिख दे रहा हूं एक रोटरी होता है एक रेसी प्रोकेटिंग होता है लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में कहां पढ़ेंगे हम लोग इसको पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमें केवल कंप्रेसर जानना है बस कि कंप्रेशन करता क्या है उसका काम क्या है ठीक है ना तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो देखिए हमारे साइकिल में हमारे साइकिल में एक चीज जो सबसे पहले आ गई थी जिसको आपको याद ही होगा वो चीज क्या है वो चीज है हमारा वेपर डोम ठीक है ना हमारे साइकिल में जो चीज सबसे पहले इन्वॉल्व है वो क्या है वेपर डोम बताओ बच्चों क्या है वेपर डोम तो हमें जो कुछ भी काम करना है हमें इसी वेपर डोम के अकॉर्डिंग करना है अब बताइए बेटा ये कंप्रेशर में हम जब कंप्रेशन प्रोसेस करेंगे अब मैं इधर का आपको रफ कर दे रहा हूं अगर हम लोग जब कंप्रेशन प्रोसेस करेंगे बेटा जब हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या ये प्रोसेस यहां पर इस तरह से आ सकता है देखो आइसन ट्रॉपिक है ना ध्यान देना आइसन ट्रॉपिक है ना तो आइसन ट्रॉपिक लाइन तो यही ड्रॉ होगी वन से टू लाइन हमने ड्रॉ कर दिया क्या ये लाइन सही ड्रॉ है ठीक है ना क्या ये लाइन सही ड्रॉ है फ्रिज में कौन सा कंप्रेशर लगा होता है उस कंप्रे फ्रिज में कौन सा रेफ्रिजरेटर यूज रेफ्रिजरेंट यूज होता है सब पे डिस्कस करेंगे बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल क्लास ओनली आप लगातार क्लासेस लेते रहिए फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पे रखना चाहिए फ्रिज को ले आते समय लिटा के लाना चाहिए कि खड़े होकर ले आना चाहिए यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग हैसली क्लास लेते रहिए देखिए यहां पर वेपर डोम जो बनाया है क्या हमारा वन से टू प्रोसेस सही है बताइए क्या वन से टू प्रोसेस हमारा सही है क्या वेपर डोम में जो हमने प्रोसेस बनाया है क्या वो सही है मुझे बताइए आप जवाब दीजिए कि यह सही है कि नहीं क्या वन से टू प्रोसेस सही है जो हमने वन से टू प्रोसेस बनाया है कंप्रेशन में यह सही है यह एकदम गलत है क्यों गलत है गलत इसलिए है कि जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो कंप्रेशर में होता है वो कहां होगा जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो कंप्रेशन

वी आर फोकसिंग अबाउट साइकिल नॉट अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्रेशर ठीक है तो देखिए कंप्रेशन प्रोसेस कहां होगा कंप्रेशन प्रोसेस कहां होगा कंप्रेसर में कहा होगा कंप्रेसर में ठीक है ना कंप्रेशन प्रोसेस कहां होगा कंप्रेशर में जो कंप्रेशर आपका होता है वो किससे डील करता है डील्स विद डील्स विद गैसेस या आप कह सकते हैं वेपर गैस और वेपर से तो डील कर लेगा गैस और वेपर से तो डील कर लेगा लिक्विड से नहीं डील कर पाएगा और देखिए आप वेपर डोम में मैंने बताया था कि इधर लिक्विड होता है और इसके अंदर क्या होता है यहां लिक्विड होता है यहां लिक्विड प्लस वेपर होता है और यहां केवल वेपर होता है तो इसके अंदर तो कंप्रेसर लग ही नहीं सकता क्योंकि इस यहां लिक्विड इन्वॉल्व है अगर लिक्विड कंप्रेसर में चला गया तो कंप्रेसर आपका चोक कर जाएगा खत्म बंद हो जाएगा ना कंप्रेसर तो इसलिए कंप्रेसर कहां लगाएंगे वन से टू प्रोसेस कहां जाएगा आपका वन से टू प्रोसेस कुछ इस तरह से आना चाहिए दिस इज वन दिस इज टू बताइए पहला प्रोसेस सबको समझ में आया थम्स सब सबको समझ में आया बच्चों टू ई एंड एवरी वन इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन पहला प्रोसेस सबको समझ में आया कि नहीं आया हमारा जो डायग्राम है जो हमारा सिंपल वीसी साइकिल है जो हमारा जो हमारा सिंपल वीसी साइकिल है उसमें देखिए हमारा इतना काम हो गया ना इतना काम हमारा हो गया इसका एक एक प्रोसेस हमने कन्फर्म कर लिया अब हम इसके अदर प्रोसेस पे जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे हियर वी हैव कंप्लीटेड वन प्रोसेस यानी हमारे साइकिल का एक बटे चौथा हिस्सा बन गया वन फोर्थ इज क्लियर अभी इसमें तीन हिस्से और हमें बनाने हैं ठीक है यहां तक थम करके मुझे बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों अब हम लोग किस प्रोसेस की तरफ बढ़े बताइए अब हम लोग किस प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे प्रोसेस टू टू थ्री ठीक है ना प्रोसेस वन से टू हो गया तो अब हम लोग क्या बढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस टू से थ्री प्रोसेस टू से थ्री में क्या होगा प्रोसेस टू से थ्री में होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ठीक है प्रोसेस टू से थ्री में क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ठीक है ना क्या होगा बताओ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और ये कहां पे होगा ये ये प्रोसेस जो है वो कहां पे होगा बच्चों ये कहां होगा कंडेंसर में कहां होगा कंडेंसर में ठीक है ना कहा होगा कंडेंसर में ठीक है कहां होगा कंडेंसर में आप कभी फ्रिज के पीछे जो रेफ्रिजरेटर आपका होता है उसके पीछे कभी हाथ लगाइए तो वहां हीट महसूस होता है गरम गरम सा लगता है वहां पे वो गर्म गर्म सा क्यों लगता है क्योंकि वहां कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसर क्या कर रहा है कंडेंसर लगातार हीट को रिजेक्ट कर रहा है कहा रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग्स में कर रहा है जो कुछ हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग मतलब आपके वातावरण में जैसे मान लो यहां पे फ्रिज रखा हुआ है यहां फ्रिज रखा हुआ है तो फ्रिज के पीछे आप हाथ लगा के चेक करिएगा वहां गरम गरम सा लगता है गरम गरम क्यों लगता है वहां कंडेंसर क्वाइल होती है वहां पे कंडेंसर क्वाइल होती है ठीक है ना जो कंडेंसर क्वाइल आपकी होती है ये लगातार हीट रिजेक्ट कर रही है ठीक है समझ में आता जाए थम्सअप करते जाओ आपका थम्सअप ही मुझे बताएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं ये कंडेंसर जो क्वाइल होती है जो कंडेंसर क्वाइल होती है ये लगातार हीट रिजेक्ट कर रही है जो कंडेंसर क्वाइल होती है वो लगातार हीट रिजेक्ट करती रहती है जब हीट रिजेक्ट हो रहा है कहां हो रहा है हीट रिजेक्ट सराउंडिंग्स में हो रहा है ना तो ऑब्वियस बात है वहां आपको गरम गरम सा लगेगा अच्छा भाई जानते हो जानते हो कि हीट रिजेक्शन जो यहां होता है वो किसके तहत होता है भाई हीट ट्रांसफर जो हो रहा है हीट ट्रांसफर के कई मेथड है ना कंडक्शन है कन्वेक्शन है रेडिएशन है और यहां भी कंडेंसर क्वाइल क्या कर रहा है ये जो कंडेंसर क्वाइल है बच्चों ये जो कंडेंसर क्वाइल है बच्चों ये भी तो हीट रिजेक्ट कर रहा है ना तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां जो हीट रिजेक्शन हो रहा है यहां जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है वो कंडक्शन से हो रहा है कि कन्वेक्शन से हो रहा है कि रेडिएशन से हो रहा है कौन सा मेथड यूज हो रहा है बताइए कंडक्शन मेथड है कि कन्वेक्शन है कि रेडिएशन है मुझे बताइए कंडक्शन हो रहा है कि रेडिएशन हो रहा है किस मेथड के द्वारा किस मेथड के द्वारा किस मेथड के द्वारा किस मेथड के द्वारा यहां पर किस मेथड के द्वारा यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला मुझे आप लोग बताइए कि किस मेथड के द्वारा यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन से हो रहा है कि कन्वेक्शन से हो रहा है कि रेडिएशन से हो रहा है कंडक्शन से हो रहा है कि कन्वेक्शन से हो रहा है कि रेडिएशन से हो रहा है कैसे हो रहा है रेडिएशन से नहीं हो रहा रेडिएशन वाली क्लास पढ़ाए थे आपको रेडिएशन कहां होता है रेडिएशन कहाँ होता है मैंने हीट ट्रांसफर पे एक वीडियो बनाया है उसको पर देखिएगा आप कि रेडिएशन पर्टिकुलर कहाँ होता है मैंने बताया है कन्वेक्शन कहाँ होता है मैंने बताया है कंडक्शन कहाँ होता है मैंने बताया है यहाँ कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है यहां पे कहा हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है देखो मणि प्रकाश बेटा रेडिएशन वहां होता है ना रेडिएशन वहां होता है जहां पर कि जहां पर कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो अब उसको डिटेल करेंगे हम उसमें हीट ट्रांसफर के वीडियो में देखा होगा आपने यहां पर कन्वेक्शन के थ्रू रहा कंडक्शन भी नहीं हो रहा कंडक्शन कैसे हो सकता है बच्चों यहां हो क्या रहा है देखो क्या हो रहा है बताऊं मैं समझो जरा ये मेरा मान लो ये जो मेरी पानी की बोतल है ये देखो ये पानी की बोतल मेरी दिख रही है ना मान लो ये फ्रिज है ये रेफ्रिजरेटर है और मान लो ये रेफ्रिजरेटर का बैक साइड है बैक साइड है और यहां मान लो क्वाइल बनी हुई है अब मेरे पास मार्कर नहीं, नहीं मैं हाँ दिखा यहां दिखाता यहां मान लो क्वाइल बनी हुई है अच्छा मैं समझाता हूं रुकिए जरा पंकज जी वो पेन दीजिएगा चौक वाला पेन दीजिए चौक वाला मैं समझा रहा हूं समझो ध्यान से ये रेफ्रिजरेटर है दिस इज रेफ्रिजरेटर एंड दिस इज कंडेंसर क्वाइल देखो बच्चों, दिस दिस इज इज रेफ्रिजरेटर, कंडेंसर ठीक है ना? अब देखो ये कंडेंसर क्वाइल है ध्यान से समझो इससे अधिक मेहनत करके कोई समझा नहीं सकता ध्यान समझो दिस इज रेफ्रिजरेटर दिस इज कंडेंसर क्वाइल इसको पैक किया गया है आपने देखा होगा वहां होल्स बने रहते हैं यहां से हवा आएगा एयर आएगा एयर आएगा और उसे हीट को लेकर के चला जाएगा बताओ एयर आया हीट को लेके चला गया एयर आया हीट को लेके चला गया कंडक्शन जो जो क्वाइल है जो कंडेंसर क्वाइल है एयर आया हीट लेके चला गया बताओ कौन सा है कंडक्शन है मूड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा है कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है कि रेडिएशन है अब बताओ अब बताओ भाई कौन सा है अरे एयर आया हीट लिया चला गया एयर आया हीट लिया चला गया बताओ कौन सा है कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है कि रेडिएशन है और मैंने ऊही सही सही बात आपको समझा दी हो तो थम्सअप करके बताइए कि सर आपसे पढ़ के चीजें समझ में आ जा रही हैं थम्सअप करके मुझे बताइए कि मजा आया कि नहीं इस चीज को समझ के कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है कौन सा हीट ट्रांसफर है बच्चों कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इसीलिए इसीलिए रेफ्रिजरेटर को इसीलिए रेफ्रिजरेटर को दीवार से सटा कर नहीं रखना है सटा के रख देंगे तो क्या होगा आपने रेफ्रिजरेटर को सटा दिया दीवार से तो हवा आ ही नहीं पाएगा जब एयर आएगा ही नहीं तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं हीट ट्रांसफर के लिए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए बच्चों एयर का आना जरूरी है ना इफ एयर विल नॉट कम देन हाउ विल बी योर हीट ट्रांसफर तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एयर आएगा ही नहीं अगर आप फ्रिज को सटा के रख दोगे तो इसलिए कम से कम आठ इंच की दूरी रखना आवश्यक है मिनिमम आठ इंच दूरी पर आपका फ्रिज रखा जाता है ताकि एयर आए उस आठ इंच में और आपका जो हीट है उसको लेकर के बाहर निकल जाए बोलो यार थम्स अप करके बताओ वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो कहीं मिलेगा नहीं बताओ दे रहा हूं कि नहीं ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताइए क्या वो चीजें मिल रही है आपको जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला ठीक है तो यहां पे हम लोग कंडेंसर क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है बताइए आर यू इंजॉय प्रभात मजा आ रहा है बेटा सुनील पाल लाल बहादुर मोहित जायसवाल प्रकाश सुभाष क्या आप कॉन्सेप्ट को इंजॉय कर पा रहे हैं क्या आप कॉन्सेप्ट को इंजॉय कर पा रहे हैं आपको बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक चीजें मिल रही हैं आपको महसूस करना बहुत जरूरी है ना केवल थ्योरी पढ़ के केवल न्यूमेरिकल लगा के थोड़े सिलेक्शन होता है जब तक आप चीजों को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोई भी अच्छा एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे ठीक है तो टू से थ्री प्रोसेस क्या है बच्चों टू से थ्री प्रोसेस है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन अब एक बात जान लो आज मैं एक बात तुम लोग को बता रहा हूं कहीं भी यहां अगर हीट रिजेक्शन आएगा या हीट एडिशन आएगा तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और वेपर डोम में वेपर डोम में प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है से समझना जैसे ही वेपल डोम में एंट्री करोगे वहां प्रेशर वहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचनी है ना कैसी लाइन खींचनी है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है पी कांस्टेंट लेकिन इस डायग्राम में तो कहीं पी आपको दिख नहीं रहा इस ग्राफ में तो आपको पी दिख नहीं रहा है तो बच्चों यह जान लो कि जहां पी कांस्टेंट है वहां टी भी कांस्टेंट होगा जहां पी कांस्टेंट है वहां टी भी कांस्टेंट होगा अगर हम वेपल डोम की बात करें तो तो जो टू से थ्री प्रोसेस आपको बोला जा रहा है वो टू से थ्री प्रोसेस कहां मिलेगा बोलो भाई टू से थ्री कहां मिलेगा देखो टू में तो यहां चले गए हम ना अटारी पे जाके बैठे हुए हैं तो यहां से नीचे आना पड़ेगा ना बच्चों यहां से नीचे आ गए अब देखो वेपर डोम एंट्री करेंगे अब देखो वेपर डोम एंट्री करेंगे बोलो भाई यहां से वेपर डोम एंट्री किया तो हमें क्या प्रोसेस मिल गया थ्री टू से थ्री प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आप थम्सअप करके बताइए मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी चीजें किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाली है बेटा और कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जाता है आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा वो खुद ही बताएंगे बट वट आई एम गिविंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर सपोर्ट सो प्लीज शेयर दिस थिंग्स शेयर लाइक एनी थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस थिंग्स आर यूनिक ठीक है चलिए बताइए हमारा साइकिल यहां तक कंप्लीट हुआ हमारा साइकिल यहां तक कंप्लीट हुआ साइकिल में हमने दो प्रोसेस बना लिए हैं हमने साइकिल में दो प्रोसेस बना लिए हैं अब हम साइकिल में तीसरे प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं क्या हम तीसरे प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े बच्चों यहां तक आपने कर लिया है बोलो भाई अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोसेस नंबर थ्री क्या करने जा रहे हैं अब हम लोग करेंगे प्रोसेस नंबर थ्री देखिए धीरे धीरे हमारी साइकिल बनती जा रही है ना हमारी साइकिल देखिए कंप्लीट होती जा रही है ना देखिए यहां से चले थे दो प्रोसेस हमने सीख लिए अब हमें तीसरे प्रोसेस पे आना है तीसरा प्रोसेस का मतलब क्या है प्रोसेस थ्री टू फोर प्रोसेस थ्री टू फोर प्रोसेस थ्री टू फोर अब बात समझिएगा यहां तो और इंटरेस्टिंग बात है यहां तो और इंटरेस्टिंग है प्रोसेस थ्री से फोर प्रोसेस थ्री से फोर में हमें एक्सपेंशन कराना है बच्चों अब देखना नाउ इंजॉय द कॉन्सेप्ट नाउ इंजॉय द कॉन्सेप्ट प्रोसेस थ्री से फोर में हमें क्या कराना है एक्सपेंशन कराना है हमने आपको बता दिया कि एक्सपेंशन में दो विकल्प हमारे पास हैं, या तो एक्सपेंशन हम टरबाइन से करा दें और या तो एक्सपेंशन हम किससे करा दें थ्रोटल वाल्व से करा दें अभी समझिएगा नाउ सी द म्यूजिक सी द मैजिक नाउ सी द मैजिक हम टरबाइन से भी करा सकते हैं हम थ्रोटल वाल्व से भी करा सकते हैं अब आपका जो थम्सअप आएगा मुझे बताएगा कि आपको बात समझ में आ रही है टर्बाइन का खर्चा आता है लगभग ढाई हजार रुपया कितना आता है ढाई हजार रुपया थ्रोटल वाल्व का खर्चा कितना आता है ढाई सौ रुपया से पांच सौ रुपया कितना आता है ढाई सौ से पांच सौ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थ्रोटल वाल्व ही चुनेंगे ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या चुनेंगे थ्रोटल वाल्व एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन कर दिया एक स्टूडेंट ने यहां पे ऑब्जेक्शन किया उसने कहा सर एक ऑब्जेक्शन है हमने कहा क्या ऑब्जेक्शन है बेटा उसने कहा सर ऑब्जेक्शन यह है कि जो टर्बाइन है वो हमें वर्क देती है सर हाउ कैन यू कंपेयर वो बोला आप तार्किक प्रश्न मेरा अगर हो तो थम्सअप करके बताइएगा वन स्टूडेंट आस्कड मी सर हाउ कैन यू कंपेयर टर्बाइन एंड थ्रोटल वाल्व दीज आर टोटली डिफरेंट माई डियर स्टूडेंट्स टर्बाइन एकदम अलग है थ्रोटल वाल्व एकदम अलग है मेरा स्टूडेंट कह रहा है सर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं हमने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को उसने कहा सर टर्बाइन गिव्स अस वर्क टर्बाइन हमें वर्क देता है और सर थ्रोटल वाल्व नो वर्क हमें थ्रोटल वाल्व कोई वर्क नहीं देता है तो आप टर्बाइन और थ्रोटल वाल्व को क्यों कंपेयर कर रहे हैं पैसा ज्यादा लग रहा है तो हमें वर्क भी तो दे रहा है और हमें वर्क देगा तो उसी वर्क से हम कंप्रेसर चला नहीं लेंगे कंप्रेसर तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है कल बताए थे ना जो वर्क हमें टर्बाइन देगा उसी वर्क से हम कंप्रेसर रन कर लेंगे तो सर हमारा तो फायदा है ना अरे ढाई हजार रुपया बल्ले जा रहा है लेकिन वर्क दे रहा है सर वर्क दे रहा है और इसी वर्क वासे हम चला लेंगे तो क्या बच्चे का क्वेश्चन तार्किक है वो कह रहा है सर आप पैसा क्यों बचा ढाई सौ रुपए का थ्रोटल वाल्व लगा के क्योंकि थोटल वाल्व कोई वर्क नहीं देता अबे वाल्व कहां से वर्क देगा यार टर्बाइन तो वर्क देता है प्यारे बच्चों तो मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है मुझसे सर वाई शुड वाई शुड वी यूज थ्रोटल should शुड यूज टर्बाइन बिकॉज टर्बाइन गिवस वर्क एंड वी नीड वर्क यार हमें वर्क चाहिए कंप्रेसर चलाना है तो हम ढाई हजार क्यों ना खर्चा कर दे हमने कहा नहीं हमने कहा नो क्यों नो कहा हमने कहा नहीं भाई हमको यही लगाना है थ्रोटल वाल्व ही लगाना है उसने कहा सर ऐसे नहीं लगाने देंगे हमने कहा थ्रोटल वाल्व ही लगाना है उसने कहा कह, ऐसे नहीं लगाने देंगे सर पहले समझाइए कि थ्रोटल वाल्व लगाना है तो थ्रोटल वाल्व ही क्यों लगाना है हमने कहा समझा रहे हैं मैं अब इसका जवाब देने जा रहा हूं कि वर्क मिलने के बाद भी हम टर्बाइन क्यों नहीं वर्क मिलने के बाद भी हम टर्बाइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम थ्रोटल वाल्व यूज कर रहे हैं इस बात का मैं जवाब देने जा रहा हूं लेकिन पहले मुझे यह बताइए क्या यह बात आपको समझ में आई क्या क्वेश्चन समझ में आया आंसर तो मैं देने जा रहा हूं मैं आंसर देने जा रहा हूं क्या क्वेश्चन समझ में आया बताइए तब तक मैं पानी पी लेता हूं जरा मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको आर यू क्लियर माइज डियर स्टूडेंट्स इज द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम लोगों ने लाइक like नहीं किया है इस वीडियो को लाइक like नहीं किया है फटाफट लाइक like करो तुम लोग वीडियो को लाइक करिए भाई लाइक करिए तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग क्लास लेने आ गए तुम लोग अभी ना ऑफलाइन की तरह ही फीलिंग करते हो सर आ गए हैं सर अब आ गए हैं पढ़ाएंगे ठीक है ना वहां लाइक वाइक तो करना नहीं रहता है चलो वीडियो को लाइक करिए फटाफट जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम्म अब देखो बच्चों हमारे पास एक्सपेंशन के लिए दो दो डिवाइसेस थी हमारे पास दो डिवाइसेस थी टरबाइन था और थ्रोटल वाल्व था फिर भी हमने थ्रोटल वाल्व को इसलिए चुना फिर भी हमने थ्रोटल वाल्व को इसलिए चुना क्योंकि देखो यार देखो यार जो वर्क का फॉर्मूला होता है टरबाइन के लिए वो होता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी डी पी क्या फॉर्मूला होता है माइनस वी डी पी ठीक है ना इसी फॉर्मूले से ही तो वर्क मिलेगा जो भी वर्क मिलेगा इसी फॉर्मूले से ही तो मिलेगा जो भी वर्क मिलेगा हमें इसी फॉर्मूले से ही तो वर्क मिलेगा बोलो भाई जो भी हमें वर्क मिलेगा वो हमें उसी फॉर्मूले से ही तो मिलेगा हमें कोई नया फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं तो हमें इसी वाले फॉर्मूले से ही वर्क मिलेगा अब यहां दिक्कत क्या है जरा बात को समझिए कि अब यहां दिक्कत क्या है यहां समस्या क्या है क्या समस्या है भाई जरा बताइए यहां क्या दिक्कत है माइनस वी डी पी अगर वर्ग का फॉर्मूला होता है तो हम इसको क्यों नहीं लगा रहे हैं हम माइनस वी डी पी देख करके क्यों भाग गए जरा मुझे बताइए हम माइनस वी डी पी देख के क्यों भाग गए बोलिए भाई बोलो भाई हम इसलिए भाग गए हम इसलिए भाग गए कि देखो बेटा जो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है वो वेपर डोम के अंदर हो रहा है जो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है वो कहां हो रहा है वेपर डोम के अंदर हो रहा है चाहे ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा जो भी होगा वेपर डोम के अंदर हो रहा है वेपर डोम के अंदर लिक्विड और वेपर दोनों है लिक्विड और वेपर दोनों है तो वेपर से तो हमें थोड़ा बहुत वर्क मिल भी जाएगा लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल होते हैं ना लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल है तो लिक्विड हमको वर्क नहीं देंगे बहुत कम मात्रा में वर्क मिलेगी यानी यहां जो वस जिस वर्क की आप बात कर रहे हैं ना वो वर्क मिलेगा तो जरूर लेकिन बहुत थोड़ा मिलेगा बहुत कम मिलेगा इतना कम मिलेगा कि वो किसी काम का नहीं है उससे कंप्रेशर नहीं चलने वाला तो एक तो वर्क इतना कम मिल रहा है एक तो इतना कम वर्क मिल रहा है और बदले में खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है तो क्या समझदारी है ये यूज करना नहीं ये यूज करना समझदारी नहीं है तो आपसे कोई पूछे कि वाई वी आर नॉट यूजिंग टर्बाइन हम टर्बाइन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वाई वी आर यूजिंग थोटल वाल्व तो आप क्या बताएंगे आप बताएंगे वर्क जो मिलेगा जीरो नहीं भी मिलेगा तो बहुत थोड़ा सा मिलेगा उस वर्क से हमारा कुछ होने वाला नहीं है जबकि उसके बदले में हमें खर्चा बहुत करना पड़ रहा है ढाई हजार रुपया तो इसलिए हम टर्बाइन को यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं थ्रोटल वाल्व किसका यूज करते हैं थ्रोटल वाल्व तो यहां बताओ क्या करेंगे हम टर्बाइन यूज नहीं करेंगे हम यहां पे टर्बाइन नहीं यूज करेंगे यहां हम टर्बाइन नहीं यूज करेंगे यहां हम टर्बाइन नहीं यूज करेंगे क्या यूज करेंगे थ्रोटल वाल्व थ्रोटल वाल्व में कौन सा प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग थ्रोटल वाल्व में कौन सा प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग ठीक है ना थ्रोटल वाल्व में कौन सा प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग और देखो भाई थ्रोटलिंग जो है वो हाईली इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग कैसा प्रोसेस है हाईली इरिवर्सेबल तो छोड़िए हाईली इरिवर्सेबल है थ्रोटलिंग हाईली इरिवर्सेबल क्यों है मैंने एक दिन इसी क्लास में लाइव क्लास में आपको समझाया था अगर जिसको न, वो क्लास ना मिल पाया हो जिसका क्लास छूट गया हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये मेरा नंबर है तो मैं आपको वो क्लास भेज दूंगा ंग ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा थ्रोटलिंग जो प्रोसेस है वो कैसा है थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसा है हाईली इिवर्सेबल <coughs> कैसा है हाईली इिवर्सेबल हाईली इिवर्सेबल है तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो इसको हम कैसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन से चलो भाई ये हमने डॉटेड लाइन दिखा दिया ये हमने दिखा दिया डॉटेड लाइन अब बताओ अब आपका एक क्वेश्चन अब आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया अब आपने कहा कि सर यह बताइए डॉटेड लाइन तो आपने दिखाया लेकिन यह उधर की तरफ क्यों भाग रहा है ये उस साइड क्यों भाग रहा है सीधे क्यों नहीं जा रहा है अरे भाई ये ऐसे भी तो बन सकता था यह ऐसे भी तो बन सकता था बोलो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये ऐसे भी तो बन सकता था यार ये ऐसे भी तो बन सकता था ये ऐसे ही क्यों बना रहे हैं सर बार बार आप ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया आंसर देने जा रहा हूं मैं मोहित ने पूछा था ये क्वेश्चन सबसे पहले मोहित ने पूछा था मुझसे अभी मोहित तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको और लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि मोहित क्या पूछना चाह रहा था मोहित ने पूछा कि सर ये बताइए ये यहां से थ्री से फोर जो हम जा रहे हैं हम इधर ही क्यों भाग रहे हैं हम उस साइड ही क्यों जा रहे हैं बेटा हम उस साइड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो हाईली इरिवर्सिबल है जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है दिस इज हाईली इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इन बढ़ती है माय डियर स्टूडेंट्स तुम लोग की यही तो समस्या है तुम लोग ग्राफ ग्राफ पे जाते ही नहीं हो अबे यार ये बताओ कि जब हाईली इिवर्सेबल है रिवर्सेबल तो छोड़ो हाईली इिवर्सेबल और इ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इंट्रॉपी बढ़ती है अगर इसको सीधे खींच दोगे तो इन कहां बढ़ेगी बोलो यार अगर इसको सीधे खींच दोगे तो इंट्रॉपी नहीं बढ़ेगी ना इन ट्रॉपी कांस्टेंट हो जाएगी ना देखो सीधे खींच देंगे अगर सीधे खींच देंगे तो इंट्रॉपी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी अगर इधर ले जाएंगे तो इंट्रॉपी घट रही है इधर ले जाएंगे तो इंट्रॉपी बढ़ रही है तो हमें वही तरीके से ही उसको दिखाना है जहां इंट्रॉपी बढ़ती हुई दिखाई पड़े और डॉटेड लाइन से दिखाना है डॉटेड लाइन ये शो करता है दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सेबल दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैंने सही सही बात समझा दी हो तो आप सब लोग थमसप करके मुझे बताइए कि बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई दिस इज फोर दिस इज फोर समझ में आ गया थम्सअप करके बताइए अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्सअप करिए चीजें समझ में आई कि नहीं फिर मैं आगे बढ़ूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा आप एक बार थम्सअप करके बता दीजिए कि चीजें समझ में आ गई हैं आपको चलिए तो थ्री तो थ्री से फोर प्रोसेस का नाम बताइए अब बताइए थ्री से फोर प्रोसेस का नाम क्या पड़ेगा थ्री से फोर प्रोसेस का नाम पड़ेगा बोलो यार थ्री से फोर प्रोसेस का नाम पड़ेगा कैसा प्रोसेस है एक्सपेंशन प्रोसेस है ना कैसा है एक्सपेंशन और इस तरह से एक्सपेंशन कराया जा रहा है कि यहां इंथेलपी कांस्टेंट रहे और इंथेल्पी जिस प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है उस प्रोसेस का नाम होता है आइसेंथेल्पिक प्रोसेस तो ये थ्री से फोर कैसा प्रोसेस निकल के आया आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन क्या निकल के आया बच्चों आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन मैंने प्रोसेस वन से टू क्लियर कर दिया मैंने प्रोसेस टू से थ्री कर क्लियर कर दिया मैंने प्रोसेस थ्री से फोर क्लियर कर दिया देखिए हमारी साइकिल धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है 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 अब हम इस साइकिल को और आगे लेके बढ़ेंगे अब इसमें लास्ट प्रोसेस बाकी है ना लास्ट प्रोसेस बनाने से पहले जरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं माइडर बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आइए देखते हैं जरा जरा पॉइंट फोर को ध्यान से देखिए जरा पॉइंट फोर को आप ध्यान से देखिए पॉइंट फोर पर जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है पॉइंट फोर पर जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है क्या वो बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है पॉइंट फोर पर जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो बहुत कम मिल रही है कि बहुत ज्यादा मिल रही है बोलो यार वो वेरी लो टेम्परेचर मिल रहा है कि वेरी हाई मिल रहा है पॉइंट फोर पर जो टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है देखिए पॉइंट फोर पर वो बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है आपने कहा सर बहुत कम है वेरी लो है ना देखिए थ्री पे इतना है टू पे इतना है फोर पे तो एकदम कम से कम है मिनिमम है ना अब यार मिनिमम है तो आप क्या चाह रहे थे मिनिमम टेम्परेचर ही तो अचीव करना चाह रहे थे आपका उद्देश्य क्या था रेफ्रिजरेटर बनाने का उद्देश्य क्या था मिनिमम टेम्परेचर को अचीव करना मिनिमम टेम्परेचर को ही तो अचीव करना चाह रहे थे यानी फोर वो स्थान मिल गया यानी पॉइंट फोर वो जगह मिल गया जहां पर लो टेम्परेचर है तो बताओ जहां लो टेम्परेचर है यहीं तो आप क्या रख देंगे यहीं पे आप अपने वेजिटेबल्स रख देंगे ध्यान से समझना मजा आ जाए ना बेटा तो फिर आप थम्सअप करके बताना इस तरह से कोई टीचर समझाएगा नहीं आपको केवल साइकिल नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा प्रैक्टिकली फील करा रहा हूं रेफ्रिजरेटर आपको यही जहां लो टेम्परेचर मिला है ना यही आप वेजिटेबल्स रख देते हैं यहीं आप फ्रूट्स रख देंगे यहीं आप ड्रिंक्स रख देंगे अरे ड्रिंक्स का मतलब कोल्ड ड्रिंक ठीक है ना पानी रख देंगे भाई लोअर लोवेस्ट ही तो चाहिए था वेरी लो ही तो चाहिए था जहां वेरी लो मिला वहीं आप ये सब रख देंगे बोलो यार इतनी बात पकड़ में आई इतनी बात समझ में आई अच्छा भाई अब देखो अब देखो अगर हम देखें यहां पर अगर हम देखें तो फोर से वन पे ध्यान दो फोर और ये वन फोर से वन पे ध्यान दो यहां देखो टेम्परेचर बहुत लो है ना हम सब करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं ये लो टेम्परेचर है ना बेटा ये कैसा टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है ये कैसा टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है इसके नीचे क्या होगा यहां स्टोरेज स्पेस होगा इसके नीचे क्या होगा यहां स्टोरेज स्पेस होगा बोलो यार इसके नीचे क्या होगा मान लो यहां स्टोरेज स्पेस होगा तो यहीं से तो हीट निकालना है बाहर ना बोलो यार यहीं से तो हीट आपको बाहर निकालना है ना यहां से जब हीट बाहर निकलेगा यहां से जब हीट बाहर निकलेगा यहां से जब हीट बाहर निकलेगा तो स्टोरेज तो स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा ना और यही तो आप चाह रहे थे कि स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाए बोलो यार यहां से हीट बाहर निकलेगा तो स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा और यही तो आप चाह रहे थे कि स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाए स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो जाए स्टोरेज स्पेस के टेम्परेचर को कम करने के लिए ही तो ये साइकिल और ये सारी चीजें बनाई गई हैं क्या स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो गया प्यारे बच्चों बताओ थम्सअप करके बताओ कि क्या स्टोरेज स्पेस का क्या स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो गया बोलो यार जल्दी बोलो क्या स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम हो गया कम हो गया ना भाई स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर कम होगा ना क्यों होगा क्योंकि फोर फोर लो टेम्परेचर है बोलो यार ये टेम्परेचर लो है स्टोरेज स्पेस का तापमान इससे ज्यादा होगा तो आप ऑटोमेटिकली यहां से हीट निकल के जाएगी ऑटोमेटिकली यहां से हीट निकल के जाएगी ऑटोमेटिकली यहां से हीट निकल के जाएगी बोलो भाई ये तो हमारा सिद्धांत कहता है ना कि हाई से लो हीट फ्लो करती है यानी हमने टेम्परेचर को कम किया क्यों था हमने इसीलिए किया ही था कि यहां जैसे ही तापमान कम होगा वैसे ही स्टोरेज स्पेस से हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा क्योंकि स्टोरेज स्पेस में हीट ज्यादा है उसे कम करना है यार भाई ये कमरा हमारा स्टोरेज स्पेस है दिस रूम इज आर स्टोरेज स्पेस यहां के टेम्परेचर को कम करना है कैसे कम करोगे बाहर के तापमान को यहां से कम कर दो सॉरी <coughs> बाहर के तापमान को यहां से कम कर दो अपने आप हाई से लो की तरफ हीट का फ्लो हो जाएगा बोलो भाई दिस इज वॉट दिस इज वॉट वी कॉल्ड रेफ्रिजरेटर कितना कितना आसानी से मैंने आपको पूरा समझाया है अगर बात समझ में आई हो तो लिखना थम्सअप लिखना भाई थम्सअप करके बताना भाई तो लास्ट प्रोसेस क्या होगा बोलो लास्ट प्रोसेस क्या होगा दिस इज द लास्ट प्रोसेस दिस इज द लास्ट प्रोसेस अगर प्रोसेस फोर से वन की हम बात करें प्रोसेस फोर टू वन क्या होगा बोलो प्रोसेस फोर टू वन बो, क्या बोल क्या होगा बोलो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और ये जहां होगा ये जहां होगा जिस डिवाइस में यह होगा उस डिवाइस का नाम क्या होता है इवेपोरेटर हम हर डिवाइस का नाम भी जान गए हैं ना क्या होगा इसका नाम इवेपोरेटर तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है ना क्या मुझे सही लगता है सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जरा एक बार मैं आप लोगों का कमेंट चेक कर लेता हूं मैं आप लोग का कमेंट एक बार चेक कर लेता हूं सभी लोग वीडियो को थम्सअप करो भाई लाइक कर दो ठीक है ना एक बार मैं वीडियो आपका चेक कर लेता हूं कमेंट आपके जो आए हैं ठीक है वेरी नाइस ठीक है वेरी नाइस ओके चलिए थम्सअप आए हैं दिल भी भेजा है किसी ने अजय ने दिल भेजा है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है राम आश्रय राय सर ने लिखा है लवली लेक्चर थैंक यू सर थैंक यू विशाल कुमार लिक्विड कम है वेपर से विशाल आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन ठीक है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो दिस इज द सिंपल वीसी साइकिल शुरुआत हमने कहां से करी थी शुरुआत हमने किया था आपको वीसी साइकिल से वीसी साइकिल के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया आइडियल वीसी साइकिल आइडियल वीसी साइकिल के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया सिंपल वीसी साइकिल और अगर आपको सिंकल सिंपल वीसी साइकिल का स्केमेटिक डायग्राम बनाना हो अगर आपको इसका स्केमेटिक डायग्राम बनाना हो तो क्या आप बना सकते हैं बोलो यार स्केमेटिक डायग्राम का मतलब क्या है आपको डिवाइसेस दिखानी है आपको डिवाइसेस दिखानी हैं तो दिखा सकते हैं बिल्कुल दिखा सकते हैं देखो यहाँ पर कंप्रेशर लगेगा देखो यहां पे क्या लगा प्रशर बोलो भाई ये कंप्रेशर लगेगा ना ठीक है ना आलोक त्रिपाठी नमस्ते सर नमस्ते आलोक जी लाल बहादुर गजब सर थैंक यू लाल बहादुर शेयर करो बेटा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ये आपको इस सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं तो देखो यहां कंप्रेशर है आपका ठीक है ये आपका कंप्रेशर है ठीक है ना बोलो भाई पहली डिवाइस कौन सी थी प्रोसेस पहला याद करो पहली डिवाइस कौन सी थी कंप्रेशर ही तो थी ना तो कंप्रेसर में यहां से कुछ एंट्री करेगा तो ये पॉइंट हमने ले लिया वन क्या एंट्री करेगा अभी देखते हैं क्या एंट्री करेगा कुछ यहां से बाहर निकलेगा कंप्रेसर में कोई चीज एंट्री करेगा तो कोई चीज बाहर भी तो निकलेगा ना बोलो भाई तो पॉइंट वन हमने यहां ले लिया अब अगर यहां देखेंगे आप इसको मिटा दे रहा हूं मैं तो ये चीज आगे जाएगी कुछ इस तरह से अब यहां पे क्या लगाएंगे बताइए यहां क्या लगाएंगे आप यहां आप लगाएंगे कंडेंसर याद है ना अभी तो बताया ठीक है वन ये हो गया और इधर आपका टू आएगा टू के बाद क्या आएगा थ्री आएगा तो मान लीजिए ये पॉइंट कहीं टू है ये पॉइंट मान लीजिए थ्री है तो कंप्रेशर लग गया कंप्रेशर के बाद क्या लग गया कंडेंसर और कंडेंसर के बाद क्या लगाएंगे कंडेंसर के बाद क्या लगाएंगे टर्बाइन बोलो भाई कंडेंसर के बाद क्या लगा दें टर्बाइन लगा दें नहीं टर्बाइन नहीं लगाना है टर्बाइन लगाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा तो क्या लगाएंगे एक्सपेंडर क्या लगाएंगे एक्सपेंडर एक्सपेंडर के बाद फिर ये नीचे आया बोलो भाई तो ये फिर हमें नीचे आया तो पॉइंट फोर मिल जाएगा फोर जाके कहा मिल जाएगा वन में ये आपका स्केमेटिक डायग्राम है ठीक है ये पॉइंट वन है टू है थ्री है फोर है फोर से वन टू थ्री यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी चलो यहां एक स्पेंडर लिख दिया हमने ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लाक वाइज में यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी बताओ भाई बार बार चलती रहेगी अरे यहां तो लगाए नहीं यहां भी तो लगा दो ई वेपोरेटर ई वेपोरेटर को भूल गए हम लोग भाई ई वेपोरेटर हमसे शिकायत करेगा सर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं सबको आप लगा रहे हैं तो हमको भी लगाइए सर हमने कहा अच्छा भाई ई वेपोरेटर ठीक है यही इवेपोरेटर है ठीक है ना और यहां क्या है बताओ यहां क्या है बताओ यहां स्टोरेज स्पेस है ना स्टोरेज स्पेस है यहां से हीट यहां लेंगे यहां से हीट यहां जाएगी ना बोलो पूरा डायग्राम और पूरा ग्राफ सबके समझ में आ गया हो तो एक बार जरा थम्सअप करके बता दीजिए आप लोग डायग्राम और ग्राफ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हों तो जरा एक बार थम्सअप करके बता दीजिए कि मामला समझ में आ गया है सर एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग कि चीजें समझ में आ गई हैं सब लोग जरा थम्सअप करके बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूं अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जहां से आपको एकदम मजा आने वाला है आनंद आने वाला है एकदम आप इंजॉय कर जाएंगे और जानेंगे कि इसको हम लोग साइकिल पे ही ऑपरेट क्यों कर रहे हैं हम इसको साइकिल पे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं क्यों ऑपरेट कर रहे हैं ये जानेंगे आप मैं कई बार अक्सर अपनी क्लासेस में बोलता हूं ना कि साइकिल पे ऑपरेट करना जरूरी है क्यों साइकिल पे ऑपरेट करना जरूरी है मैं समझाने जा रहा हूं मैं समझाने जा रहा हूं कि साइकिल पे ऑपरेट करना क्यों जरूरी है मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि साइकिल पर ऑपरेट करना क्यों जरूरी है अब देखो जरा बच्चा चलिए अब जरा समझो बात को तीन से चार मिनट अभी इस नई बात को समझो देखो बेटा जब हम इवेपोरेटर से कंप्रेशर में भेजेंगे रेफ्रिजरेंट को तो देखिए यहां से हीट लिया स्टोरेज स्पेस से हीट लिया अब हीट लिया उसके बाद रेफ्रिजरेट को हमने कहां भेजा कंप्रेशर में कंप्रेशर में जाने के बाद कंप्रेशर में जाने के बाद रेफ्रिजरेंट हाई एनर्जी लेवल पर है किस पे है हाई एनर्जी लेवल पे अब उस हाई एनर्जी लेवल का जो रेफ्रिजरेंट है जब वो कंप्रेसर से बाहर निकलेगा तो हाई एनर्जी लेवल का रेफ्रिजरेंट है जो हाई एनर्जी लेवल का रेफ्रिजरेंट है उसको आप एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते ध्यान से समझिएगा देखिए यहां से इवेपोरेटर में हीट गया यहां से कंप्रेसर में गया रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से जब ये बाहर निकलेगा तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है वो कैसे है एट हाई एनर्जी लेवल ये कुछ ऐसी बात समझाने जा रहा हूं जिससे आप आज समझिए कि इसका एकदम पार्ट पार्ट खोल दे रहा एकदम सारे पार्ट्स अलग अलग कर दे रहा हूं कि कैसे नहीं समझ में आएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को मैं इतना आसान कर रहा हूं भाई कोई चीज कंप्रेसर से निकलेगा किसी चीज को कंप्रेस किया गया है तो वो हाई एनर्जी लेवल पे होगा बोलो यार वो कैसा है हाई एनर्जी लेवल पे तो हाई एनर्जी लेवल पे होने के कारण आप उसको डायरेक्टली एटमॉसफियर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो उसको हम लो एनर्जी लेवल पे लाते हैं कंडेंसर की सहायता से और कंडेंसर से हम डिस्चार्ज करते हैं एटमोस्फियर में यहां हम सेट एटमॉसफियर में डिस्चार्ज करते हैं बात समझ में आया बोलो भाई कंडेंसर की सहायता से हम उसको एटमोस्फियर में डिस्चार्ज करते हैं इतनी बात समझ में आई ठीक है ना कंडेंसर की सहायता से फिर हम उसे एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं जैसे मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा सराउंडिंग है मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कितने पे है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ठीक है ना चालीस डिग्री सेंटीग्रेड पर है मान लिया मान लिया हमारा सराउंडिंग किस पे है चालीस डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो जब कंप्रेशर से ये निकलेगा ना कंप्रेशर से ये निकलेगा कंप्रेशर से जब ये निकलेगा जिससे हमारा सराउंडिंग जो है वो चालीस डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो यहां तो ये यह बहुत कम तापमान पे होगा ना यहां तो कम पे होगा तो यहां से मान लीजिए पचपन पे है तो पचपन वाले को हम चालीस पहुंचा करके हम चालीस पे डिस्चार्ज करेंगे भाई अगर कम पे होगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो कंप्रेसर से निकलने के बाद ये कितने पे हो जाएगा पचपन पे अब पचपन से चालीस पे डिस्चार्ज कर सकते हैं लेकिन कम ये ये चालीस से कम होगा ना ये वाइपुरेटर में चालीस से कम होगा तो हम डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे बात पकड़ में आया तो हम जो है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं अब ये देखो यही रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ा आगे बढ़ा जब ये एक्सपेंडर में एक्सपेंड करेगा तो जब यहां आएगा जब ये रेफ्रिजरेंट यहां आएगा यहां जब ये आएगा तो ये लगभग पांच डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा अभी समझना बात को लास्ट सेंटेंस में यूर यू आर गोइंग टू एंजॉय द कॉन्सेप्ट ये पांच पे हो गया चालीस सराउंडिंग है पचपन निकाल रहा है कंप्रेशर इधर आया पांच पे और जब पांच पे आया तो यहां भी कितने पे है बताओ यहां इवेप्रोटर में कितने पे गया पांच पे और स्टोरेज स्पेस मान लीजिए है बीस पे स्टोरेज स्पेस मान लीजिए है बीस पे तो 20 वाला जब हीट बाहर निकलता जाएगा इवेपोरेटर में जाता जाएगा तो ये स्टोरेज स्पेस कितने पे हो जाएगा थोड़ी देर बाद ये जो स्टोरेज स्पेस है वो कितने पे हो जाएगा वो स्टोरेज स्पेस 20 से होते होते कितना कम हो जाएगा मान लिया ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा समझ तो में आया ना और यही आप चाहते हैं टेम्परेचर को कम करना ही तो आप चाहते हैं अब यहां समझना एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैं आपको उस लेवल तक पढ़ा रहा हूं चाहे गेट हो ये हो ए हो, हो इसके बाहर कुछ नहीं है मैं कभी चैलेंज नहीं करता कि मेरे पढ़ाए हुए चीजों से ही एग्जामिनेशन में आएगा ठीक है अच्छा नहीं था चैलेंज करना लेकिन आप कोई भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न उठा के देख लो नथिंग इज बियॉन्ड दिस क्लास इसके बाहर कुछ नहीं है क्योंकि मैं आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट अब एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर एक मुझे बात बताइए जब ये पांच पे है और ये बीस पे है ध्यान सुनना तुम लोग को मजा आ जाएगा तुम लोग खुद से तम करोगे बच्चा कह रहा है सर ये पांच पे है ये बीस पे है हमने कहा तो उसने कहा सर यहां से जब ये जाना शुरू करेगा यहां से जाना शुरू करेगा तो थोड़ी देर बाद तो ये वाला भी बीस पे हो जाएगा सर बच्चे का क्वेश्चन सुनिएगा बच्चा कह रहा है हमसे कि सर मुझे ये बताइए ये पांच पे है दिस इज ऑन फाइव दिस इज ऑन ट्वेंटी और आप कह रहे हैं यहां से आप कह रहे हैं कि यहां से बच्चा मुझसे कह रहा है बच्चा मुझसे कह रहा है बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर आप कह रहे हैं यहां से जाएगा ये हमने कहा हाँ भाई हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो बच्चा ने कहा सर आप कह रहे हैं यहां से जाएगा ये हमने कहा हाँ, तो सर थोड़ी देर बाद तो ये फिर ट्वेंटी पे हो जाएगा सर थोड़ी देर बाद ये ट्वेंटी पे हो जाएगा इतनी मेहनत से तो पांच पे किया था फिर सर ट्वेंटी पे हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो गई ना बोलो भाई बच्चे का क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई बच्चा कह रहा है कि ट्वेंटी से हिट जा रहा है पांच की तरफ ट्वेंटी से हिट जा रहा है पांच की तरफ तो थोड़ी देर बाद ये जो पांच आप बड़ी मुश्किल से किए हैं इतना चक्कर वक्कर मार के वो ट्वेंटी वाला जब हिट जाएगा तो ये पांच से बढ़ करके ये पांच से बढ़ करके ट्वेंटी पे फिर हो जाएगा ना इसीलिए तो मैं कहता हूं कि रेफ्रिजरेटर हमेशा साइकिल पर ऑपरेट होगा साइकिल पे ऑपरेट होने का मतलब है बेटा कि जितने में ये पांच वाला पांच वाला जब ये बीस वाली हीट यहां जाएगी तो पांच वाले का तापमान कुछ बढ़ना शुरू होगा लेकिन बढ़ ही नहीं पाएगा जहां बढ़ा होगा तब से यहां से साइकिल पूरा घूम करके फिर पांच वाला सप्लाई हमारे पास आ जाएगा यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि यहां से घूमते घूमते फिर पांच वाला आ जाएगा पांच वाला लगातार आता जाएगा तब यहां से कैसे बढ़ पाएगा टेम्परेचर इसीलिए तो कहता हूं कि रेफ्रिजरेटर इसीलिए तो कहता हूं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल क्यों बनाई गई है वेपर कंप्रेशन प्रोसेस क्यों नहीं बनाया गया एंजॉय किया कि नहीं आपने विशाल मजा आया बोलो भाई इसीलिए कहता हूं ना कि साइकिल क्यों बनाया गया है क्योंकि यहां से पांच वाला आता रहेगा ना यहां से पांच वाले की सप्लाई पांच डिग्री सेंटीग्रेड की सप्लाई बनी रहेगी तो अगर यहां से ये यह ज्यादा गया भी तो तुरंत फिर उसको वो पांच पे कर देगा इसीलिए साइकिल का होना जरूरी है बच्चों इसीलिए साइकिल का होना जरूरी है साइकिल नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा साइकिल इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ दिस सब लोग थम्स अप करके बताओ हैव इंजॉयड और नॉट मजा आया कि नहीं आप लोग को बहुत सारे लोग लाइव नहीं आते हैं वो बाद में देखते होंगे बट वन थिंग आई एम गोइंग टू डू वन थिंग कि मैं इस क्लास को आगे चल करके केवल लाइव ही लेने वाला हूं मैं इस क्लास को आगे चल करके केवल और केवल लाइव लेने वाला हूं इसमें कोई दो राय नहीं है जो लोग नहीं आ रहे हैं वो श्योर जान लें कि उनका नुकसान होगा ठीक है मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपना वीडियोस हटा दूंगा तो बड़ा कुछ मेरा फायदा हो जाएगा मैं इस विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं मेरा एक ही उद्देश्य है इफ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन योर लाइफ यू विल नेवर बी सक्सेसफुल अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है अगर सात बजे आपकी क्लास है एंड यू आर वाचिंग द क्लास लाइक लेट के आप पढ़ रहे हो आ उधर टीवी चल रहा है इधर आप भी पढ़ रहे हो उधर गाना चल रहा है चित्रहार में इधर आप क्लास देख रहे हो इफ आर डूइंग द थिंग्स लाइक दिस यू आर नॉट डिसिप्लिन पर्सन और डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है यू विल नेवर बी सक्सेसफुल पर्सन अनुशासन जिसके जीवन में नहीं है बेटा वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है तो आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है मैं बार बार आपसे कहता हूं प्लीज चेयर टेबल पे बैठ के क्लास को देखिए लेट के मत देखिए आप उसका महत्व तो नहीं समझ पाएंगे अगर उसको आप आराम कर रहे हैं तो जब आप पेन लाइफ में आता है ना जब आप उस तकलीफ को समझेंगे उस मेहनत को करेंगे तब आप उस सक्सेस को भी एंजॉय कर पाएंगे जो वो आता है ठीक है ना तो मेरा बस एक ही कोशिश है यू मस्ट हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ इफ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन यू नेवर बी सक्सेसफुल लिख के ले लीजिए आप आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं दो लोगों के बारे में आपको बता रहा हूं वट वट इज द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन इन द लाइफ दो नाम दो नाम बताने जा रहा हूं दोनों में सेम टैलेंट था दोनों में सेम टैलेंट था लेकिन एक में डिसिप्लिन था दूसरे में डिसिप्लिन नहीं था पहला नाम है सचिन तेंदुलकर द मैन विद द डिसिप्लिन दूसरा नाम है विनोद काम्बली आप लोगों ने सुना होगा विनोद काम्बली का नाम विनोद कांबली के शुरुआती मैचेस का रिकॉर्ड देख लीजिए सचिन से ज्यादा रन है उनके सचिन से ज्यादा डबल हंड्रेड बनाए हैं उस बंदे ने शुरुआती मैचेस में बट दैट पर्सन दैट पर्सन डज नॉट देयर लाइफ उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं था और सचिन के जीवन में डिसिप्लिन था उस डिसिप्लिन ने सचिन को कहां पहुंचाया गॉड ऑफ क्रिकेट बनवाया अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है आप कभी विनोद कांबली का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा शुरुआत के दस मैचेस सचिन के देखिए शुरुआत के दस मैचेस विनोद कांबली के देखिए विनोद कांबली की परफॉर्मेंस सचिन से बहुत अच्छी है और लोग बोलते हैं रमाकांत अचरेकर जो उनके कोच थे उनका मैंने इंटरव्यू सुना पढ़ा उनका इंटरव्यू उन्होंने कहा कि कांबली में सचिन से भी ज्यादा एनर्जी और टैलेंट था मुझे पता नहीं लड़का पीछे क्यों रह गया वो इसलिए पीछे रह गया क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में हम सबके जीवन में जहां हानि हुई हो मेरे खुद के जीवन में जब मैं अपने लाइफ के करता हूं, जहां जहां मैंने कुछ खोया है कुछ खोया है वहां देखेंगे तो कमी दिखाई पड़ेगी तो ऑलवेज है ठीक है तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने वीसी साइकिल अच्छे से कंप्लीट किया और वीसी साइकिल आपका समाप्त भी हो गया और सारी चीजें आपको समझ में आ भी गई होंगी आपको सारी चीजें आ भी गई होंगी ठीक है ना तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे हमने आपसे वादा किया है कि हम सात बजे आपसे मिलेंगे तो मेरा वादा वो एकदम कंफर्म वादा है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है हमने आपसे कहा है कि हम सात बजे सेवन पीएम पर एमएमसी के चैनल पे